माननीय कांशीराम इज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फिलासफर, फिलहाल उनकी फिलासफी की जीत नहीं हो पाई है, पर फ्यूचर में कभी हो सकती है, पर उनके फॉलोअर तो कम से कम ये माने कि माननीय कांशीराम एक फिलासफर चिंतक थे। यदि किसी का दिमाग जो है भ्रष्ट हो गया है तो जो चीज देखना चाहता है उसे वही दिखाई पड़ती है। हैं, एक समय था जब मायावती जी ने कुछ लैंड वाले मसले पर कुछ एक नियम लाई थी, तो कांग्रेस के लोग उनके घर पर प्रदर्शन करने गए नोएडा में। उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे दिग्विजय सिंह, क्योंकि यूपी कांग्रेस के इंचार्ज थे। शाम को रवीश कुमार ने बुलाया, इस पर आपका आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा अगर कांग्रेस के लोग असहमत हैं मायावती के डिसीजन से, तो कांग्रेस बीएसपी के ऑफिस में जाके करना चाहिए प्रदर्शन, मायावती के घर पे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं दिग्विजय सिंह हमारे इतने अच्छे दोस्त। तो हमने कहा अगर मेरे पास ताकत होती इन कांग्रेसियों को सोनिया गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के बांध के पत्थर से बांध करके अरब सागर में जाकर ऊपर से ड्रॉप करते हैं, उत्तर भारत में दलित का मतलब चमार जी। आप 1000 साल का इतिहास देख लीजिए, अगर सत्ता से किसी ने टकराया है तो आप गुरु रविदास को ले लीजिए, चमार समाज ने लड़ाई लड़ी है ना, और बाद में जो है चमार रेजिमेंट बनी, क्यों नहीं पासी रेजिमेंट बना दिया या खटीक रेजिमेंट बना दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उसको ये मालूम था कि चमार कम्युनिटी इज द ओनली मेजर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी दैट इज नॉट सर्व्ड बाय ब्राह्मिन्स। शायद नई पीढ़ी के लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि मंडल कमीशन लागू होने के हम समझते हैं हफ्ते भर के भीतर या 3 दिन के बाद एक चंद्रशेखर और देवीलाल ने मिलकर एक रैली की वीपी सिंह के खिलाफ, उस रैली में मालूम है दलितों की तरफ से कौन भाग लेने गया था? कांशीराम। माननीय कांशीराम के जीवन में ही ब्राह्मणवादी पार्टी से समझौता करना पड़ा तीन बार। बहुत सारे दलित हैं जो मनुवादी यूरोशिया से आए हैं ब्राह्मण, ये वो गालियां देते फिरते हैं। जब ये पूछ दीजिए कि आप ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी पार्टी के सहयोग से क्यों सरकार बनाई आपने, तो मुंह लटक जाता है। रहा है बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं कि खत्म हो गई है, समाजवादी पार्टी को वोट 2022 में देकर के देख लिया है, बिहार में आरजेडी और जो बहुजनों की पार्टी हैं उनको भी वोट देकर के देख रहे हैं, तो क्या अब इन तमाम एससी एसटी ओबीसी की पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो रहा है? 31% से 12% पर आकर के टिक गई है बहुजन समाज पार्टी और ज्यादातर बहुजन समाज की पार्टियों का यही हाल है। तो ऐसे में क्या बहुजन समाज के जो लोग हैं, खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, जो सपना कवि मान्यवर साहब कांशीराम ने देखा था, जो बात उन्होंने कही थी कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो आप इस देश के हुक्मरान हो, तो क्या हुक्मरान बनने का सपना टूट रहा है? और ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी हैं, जिनकी बहुत सारी बुक्स बहुत सारे लेख आपने पढ़े हुए। चंद्रभान प्रसाद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मान्यवर साहब की वो कोटेशन के जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो आपको इस देश का हुक्मरान बनना है, 2024 सर पर है, दलित दुविधा में है, वोट दे तो दे किसे? देखिए, माननीय कांशीराम एक सेक्रीफाइस करने वाले आदमी थे जी, पूरा लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, अपने परिवार नहीं बनाया, अपने पेरेंट्स को अपने भाई बहनों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनके दिमाग में था हमारा समाज आगे बढ़े, और हमारा समाज का मतलब उनका था बहुजन समाज यानी दलित ओबीसी और माइनॉरिटी। तो रिजल्ट क्या निकला, हम दो उदाहरण देते हैं। एक तो पहले मेरा ये अफिडेविट ये है कि अपर कास्ट को बीजेपी को कांग्रेस को आप गाली देते रहिए, वो या तो मौन रख जाएंगे या आर्गुमेंट करेंगे जी। दलित समाज में अगर कोई बात कहे इनको पसंद नहीं आई तो ये गाली देंगे, तो वो गाली के लिए मैं तैयार हूँ। अगर माननीय कांशीराम ने जितना मेहनत दलित ओबीसी को माइनॉरिटीज को यूनाइट करने के लिए की थी,
मुलायम सिंह यादव ने तो नहीं किया था ना, नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तो नहीं किया था ना। फिर बीएसपी को समाजवादी पार्टी से अलायंस को करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने तो ये तो कभी नहीं कहा कि दलित ओबीसी माइनॉरिटी सब इकट्ठा होकर शासन करेंगे, वो तो अहीरों को इकट्ठा करते रहे। तो इसका मतलब ये कि ओबीसी समाज दलित छतरी के नीचे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, अपना छाता लेके आएगा। नंबर वन। नंबर टू जो है अलायंस हो गया और सत्ता में समाजवादी पार्टी आ गई बीएसपी के एक्सटर्नल आउटसाइड सपोर्ट से। 18 महीने के भीतर कांसीराम ने सरकार से सपोर्ट क्यों खींच लिया, यह कहते हुए कि यही लोग हमारे समाज के लोगों को मार रहे हैं। तो ये तो माननीय कांसीराम ने कहा ना, बिल्कुल, यानी कि उनकी जो उम्मीदें थी ओबीसी समाज से या माइनॉरिटी से, इन्होंने माननीय कांसीराम को नहीं माना और अपने जाति के नेताओं के साथ का साथ दिया जिनका कोई इतिहास नहीं है दलित ओबीसी माइनॉरिटी को इकट्ठा करने का। वो अपना पारिवारिक जीवन जीते रहे, घर द्वार बनाते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, ये सब करते रहे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों ने जाति के आधार पर नेता को माना, विचारधारा के आधार पर नहीं। देखिए, हमारा बहुत पहले से तर्क है, आजादी के बाद नए संविधान आने के बाद अपर कास्ट का तो पतन हुआ है ना, जमींदारी प्रथा गई, लैंड शील्डिंग एक्ट 1961 में आया तो बड़ी भूमि खत्म हुई या कम हुई। लैंड शीलिंग एक्ट 72 में आया, जो भी बचा करता था वो भी इनकी जमीन गई और पैनिक फैल गया अपर कास्ट में, वो बेचने लगे जमीन, बेचने लगे कि अब पता नहीं इंदिरा गांधी और नेहरू, इंदिरा गांधी और क्या करेगी। तो दलित भी, और दलित जमीन नहीं पाया लेकिन दलित जो है नौकरी में, एजुकेशन में और नौकरी में, मतलब रिजर्वेशन के आधार पर अवसर मिला। तो दो जब सोशल फोर्सेज राइज कर रही है तो इनमें आपसी सहयोग की जगह आपसी कंपटीशन होता है और यह कंपटीशन डीजनरेट होकर के कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है। स्टेट गेस्ट हाउस में कांड यही था। तो जब माननीय कांशीराम के जीवन में ही ब्राह्मणवादी पार्टी से समझौता करना पड़ा तीन बार बहुत सारे दलित हैं जो मनुवादी यूरोशिया से आए हैं ब्राह्मण, ये वो गालियां देते फिरते हैं। जब ये पूछ दीजिए कि आप ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी पार्टी के सहयोग से क्यों सरकार बनाई आपने, तो मुंह लटक जाता है। तो अब चूंकि बीएसपी के लोग सोचते हैं, मैं उनका तो मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, जो सही है मैं वही सही कहता हूँ। बिल्कुल सही है। माननीय कांशीराम के की डेथ के या महापरिनिर्वाण के 8 महीने के भीतर बीएसपी का स्लोगन चेंज हो गया, अब यह सर्वजन पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। इसको चंद्रभान प्रसाद ने लागू किया बीएसपी के अंदर घुस करके, कांशीराम का विरोध चंद्रभान प्रसाद ने किया, उन्होंने तो एक आर्टिकल नहीं लिखा, हमारे पास 4-4 कालम थे, हर बार बीएसपी को डिफेंड किया है। तो ये जो तर्क है, अब शायद नई पीढ़ी के लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि मंडल कमीशन लागू होने के, हम समझते हैं, हफ्ते भर के भीतर या 3 दिन के बाद एक चंद्रशेखर और देवीलाल ने मिलके एक रैली की वीपी सिंह के खिलाफ, उस रैली में मालूम है दलितों की तरफ से कौन भाग लेने गया था, कांशीराम। ये बात मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि उस रैली में, ये मैंने कहीं मैंने पढ़ा भी था और चंद्रभान प्रसाद जी ने मुझे याद भी दिलवा दिया कि उस रैली में भाग लेने के लिए मानव साहब कांशीराम गए थे। और ये इतना बड़ा बड़ा अखबारों में कांशीराम इज लाइकली टू अटेंड एंटी मंडल रैली, तो क्या चंद्रभान प्रसाद के जोर देकर के मानव जी को वहां पर भेज दिया गया। तो जब चूंकि जैसे डॉक्टर रतनलाल के साथ जो हो रहा है, यह आर्गुमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जगह इनके ऊपर गोबर फेंकवा रही है। तो दलितों में भी अगर आप सही बात बोलें और आर्गुमेंट करें तो ये गोबर फेंकेंगे। अच्छा सर, हम थोड़ा सा सवाल पर चलते हैं।
क्या वजह रही होगी कि मानवर साहब काशीराम को उस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग हैं, इसका थोड़ा सा आप डिटेल में बता देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। या तो बीएसपी के लोग ही बताएं कि मानवर कांशीराम जी मंडल कमीशन लागू होने के 3-4 दिन बाद ही एंटी मंडल रैली में क्यों गए, ये तो बीएसपी के लोगों को नहीं, नहीं अब उनको उनको नहीं पता है, उनको तो बेचारों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट, एज ए राइटर, एज ए थिंकर आप क्या सोचते हो उस समय, क्योंकि उस समय आप भी बहुत सारे अखबारों में लिख रहे थे, जैसे आपने बताया 4-4 कॉलम आप रोज लिख रहे थे, तो क्या सोच रही होगी उस समय इस प्रकार के मंसूर साझा करने? उस समय तो लोग मुझसे पूछते थे तो मैंने लिखा नहीं, एक था कि अब हमारी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी और रातों रात बीपी सिंह ओबीसी का मसीहा हो जाएगा और ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्यों नहीं लागू किया मंडल कमीशन। आज अगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि जाति सेंसस होना चाहिए, उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि अब दोबारा से भूमि सुधार होने चाहिए, तो जितना आहिर भाई कुर्मी भाई लोगों ने जमीनें खरीदा है पिछले 30-40 सालों में, सबसे पहले यही खड़े हो जाएंगे, नहीं होना चाहिए। तो एक तो यह एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मैं फिर से दोबारा कहना चाहूंगा, ये तो बीएसपी के लोगों को बताना चाहिए कि एंटी मंडल रैली में क्यों मान्यवर जी गए। एक तो ये हो सकता है कि ये अचानक एक नया आदमी रातों रात ओबीसी का लीडर बन गया। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा कि ये लोग इस लायक नहीं थे, ये एक बड़ी वजह रही होगी। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मंडल साहब के पोते थे, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनके सामने भी कहता, क्योंकि मंडल आयोग में एक ही दलित सदस्य थे, एक्स एमपी एलआर नाइक, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि मंडल में दो तरह की जातियां हैं, एक किसान जातियां हैं, एक आर्टिजन जातियां हैं, कहार कुहार लोहार ये जो है कोयरी और ये नाई बढ़ई ये माली, ये इनकी स्थिति ज्यादा खराब है, ये इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा ये किसान वाली जातियां जो तथाकथित किसान है ये दलितों पर और सारे लोगों पर अत्याचार कर रही हैं, यह बात 1980 में कहा उन्होंने, रिपोर्ट में लिखा। तो जब इन्होंने कहा ये दो लिस्ट बनाओ मंडल कमीशन को दो भाग में, तो नहीं तो मैं साइन नहीं करूंगा, तो मंडल साहब तो आखिर में थे तो वही रही ना, तो उन्होंने कहा मत साइन करो जाओ। तो इन्होंने जो राष्ट्रपति को मंडल कमीशन का जो पहला पन्ना है जिसको बोलते हैं कवरिंग लेटर, में उन्होंने आखिर में लिखा सेकंड पन्ने पे आके कि एलआर नाई साहब ने दिन रात मेहनत करके इस रिपोर्ट को तैयार करवाया, सारा मदद किया, लेकिन आखिर में उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये दो भागों में बांट देनी चाहिए मंडल कमीशन की जो कोटा है, यह अपेंडिक्स में हम छाप रहे हैं। अच्छा, तो शायद मानवर कांशीराम को शायद ये बड़ा कारण हो सकता है, हाँ, कि ये जो है हमारे दलित भाई की बात को तो माना नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग थी, मंडल लागू करो मंडल लागू करो, कैसे एक स्लोगन था उसमें, जिसका जितना वोट भारी हो जितनी जिसकी संख्या भारी हो उसकी संख्या भारी, हाँ हाँ, तो या तो मंडल कमांड मंडल कमांड मंडल या तो कुर्सी खाली, हाँ, स्लोगन होगा तरह तरह के थे उससे। तो इसके अलावा चौथा तो कारण मुझे नहीं लगता कि क्यों एंटी मंडल रैली, ये इसलिए भी यहाँ पे हम लोग इस पे, हालांकि हम थोड़ा चर्चा से इधर थोड़ा हट गए, इसलिए महत्वपूर्ण था कि जो नई पीढ़ी आ रही है जो नहीं समझ रही है उसको ये शायद बात थोड़ा सा समझनी चाहिए कि मानवर साहब काशीराम उस समय पर मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद अगले 3 दिन के बाद जो रैली हुई थी उसमें क्यों शामिल हुई, तो ये बड़ी बात थी। फिर हम घूम करके वहीं आते हैं, सवाल वही खड़ा है कि 2024 में आपको क्या लग रहा है, अब जो बहुजन समाज है या खासतौर से शेड्यूल कास्ट है बहुजन समाज में भी, और उसमें भी खासतौर से जो दलित समाज में जो अम्बेडकरेड जातियां हैं जो बाबा साहब फूले कवि नानक रैदास की विचारधारा से जुड़ी हैं, अरे इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, उत्तर भारत में दलित का मतलब चमार जी, आप 1000 साल का इतिहास देख लीजिए, अगर सत्ता से किसी ने टकराया है तो आप गुरु रविदास को ले लीजिए,
चमार समाज ने लड़ाई लड़ी है ना, और बाद में जो है चमार रेजिमेंट बनी, क्यों नहीं पासी रेजिमेंट बना दिया या खटीक रेजिमेंट बना दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उसको ये मालूम था कि चमार कम्युनिटी इज द ओनली मेजर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी दैट इज नॉट सर्व्ड बाय ब्राह्मण्स। चमार मात्र एक ऐसी जाति है जो मतलब जिसके यहाँ ब्राह्मण नहीं जाता नहीं है, और जिसको शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। तो किसी अंग्रेज ने समझाया होगा, हमने पढ़ा नहीं है, हम ऐसे कह रहे हैं, हम हमारी बात गलत हो सकती है, किसी ने कोई ना कोई तो कारण रहा होगा उस रेजिमेंट का नाम चमार रेजिमेंट रखने के लिए। उसमें हर जाति के लोग थे, जैसे जाट रेजिमेंट है तो हर जाति के लोग हैं, राजपूताना रेजिमेंट हर जाति के, लेकिन एक खास जाति का वर्चस्व रहता है। हाँ, तो किसी ने शायद कहा हो कि जिसको लाठी उठाने का अधिकार नहीं। आज भी हमारे गाँव में बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर ठाकुर बस्ती से जा रहा है कोई चमार पासी भी, तो लाठी का हुरा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे करके जाना चाहिए। ये लगे, ये ना लगे कि लाठी लेके आ रहा है ऐसे उठा रहा है लड़ने की उसमें। हाँ, तो अगर इस समाज के लोगों को अगर राइफल दे दी जाए तो ये जो है टूट पड़ेंगे दुश्मन पर। और कोहिमा की लड़ाई में यही हुआ। हाँ, चमारों ने छेद दिया हिटलर द्वारा जो सेना बैक थी। फिर बाद में दलितों में किसी और जाति को बाबूजी का तब ये क्यों मिल गया, ये जो है टाइटल मिल गई। चमार समाज से ही तो बाबूजी आते थे, कांसीराम साहब भी चमार समाज से आते हैं, मायावती जी भी चमार समाज से आती हैं। तो बीपी मौर्य, संप्रिय गौतम, ये सारे हैं ना। तो जब उत्तर भारत में तो दलित है, अम्बेडकरवादी, फूलेवादी, ये सब ज्यादा लपटा बनाने की जरूरत नहीं। चमार अगर इस लड़ाई में आगे नहीं है तो दलित समाज का कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी हाथ से निकला है वो छिन जाएगा। कल अगर फिर बनती है बीजेपी की सरकार तो शायद एलपीजी और पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि चमार कम्युनिटी, हम सीधी सीधी कह दें कि जो चमार जाति है, जिसको हम अम्बेडकरवादी कह दें, फूलेवादी कह दें, बुद्धिस्ट कह दें, कुछ भी कह दें उसको, फिर वहीं आते हैं कि आपको लगता है कि जो मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमको हुक्मरान बनना, वो सपना 40 साल में चकनाचूर होने के कागार पर है। तो क्या चमार जाति को या अम्बेडकरवादी लोगों को मिल करके किसको सपोर्ट करना चाहिए? एक बड़ा आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि चंद्रभान प्रसाद पिछले 40 साल से 45 साल से लिख रहे हैं लगातार अम्बेडकरवाद पर, अब उनका झुकाव भी कहीं ना कहीं आपके जैसे तमाम एक्टिविस्टों का झुकाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो क्या समाज को कांग्रेस को वोट करना चाहिए? क्योंकि गाय बगाए कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी की उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं, राजीव गांधी जी की उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं, कांग्रेस से बैंकों का निजीकरण की उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं। तो क्या समाज सब कुछ छोड़ करके कांग्रेस को वोट दे बीजेपी को रोकने के लिए? देखिए, यदि किसी का दिमाग जो है भ्रष्ट हो गया है तो जो चीज देखना चाहता है उसे वही दिखाई पड़ती है। एक समय था जब मायावती जी ने कुछ लैंड वाले मसले पर कुछ एक नियम लाई थी, तो कांग्रेस के लोग उनके घर पर प्रदर्शन करने गए नोएडा में। उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे दिग्विजय सिंह, क्योंकि यूपी कांग्रेस के इंचार्ज थे। शाम को रवीश कुमार ने बुलाया, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा अगर कांग्रेस के लोग असहमत हैं मायावती के डिसीजन पे, तो कांग्रेस बीएसपी के ऑफिस में जाके करना चाहिए प्रदर्शन, मायावती के घर पे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं दिग्विजय सिंह हमारे इतने अच्छे दोस्त। तो हमने कहा अगर मेरे पास ताकत होती इन कांग्रेसियों को सोनिया गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के बांध के पत्थर से बांध करके अरब सागर में जाकर ऊपर से मैं ड्रॉप कर देता। तो जो इस तरह के दलित समाज के दुष्ट लोग हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको चंद्रमान प्रसाद की यह बात याद नहीं आएगी। जब चंद्रमान प्रसाद ये कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, देश भारतीय गणतंत्र को खतरा है, पब्लिक सेक्टर को खतरा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको प्राइवेटाइजेशन का खतरा है, तो चंद्रमान प्रसाद कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ जाने से हमको क्या मिल जाएगा? और
कांग्रेस की तरफ से बीएसपी की तरफ हम चले जाए तो 20 साल तक बीएसपी के पक्ष में ही लिखते रहे, तो हमें क्या मिल गया? 2006 के आसपास मुझे एक आप ही का लेख याद आता है, 2006 में एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था, आप ही की किताब थी, कि मुझे निकट भविष्य में दलित ब्राह्मण गठजोड़ दिखाई दे रहा है। हाँ। और ये मैंने पढ़ा था और आप ही का लेख है, आपको याद किया रहा होगा। फिर बता दूं मैं इसके बाद। हाँ। एक पहली बार हमको एक बड़ा मौका मिला जो नेहरू मेमोरियल सेंटर है, जहाँ पर साल में एक लेक्चर होता था और उसमें किसी बहुत बड़े आदमी को लोग बुलाते थे, बड़े इंटेलेक्चुअल को। तो हमको जेएनयू में लोग पूछने लगे, जेएनयू में मीटिंग वोटिंग होती रहती है रात में मेस में, कि ये बीएसपी का और बीजेपी का गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? तो मैंने कहा था, जो मेरी समझ थी उस समय, बीएसपी बीजेपी गठबंधन नहीं है, दलित ब्राह्मणों का गठबंधन है। ये बात आपने की। हाँ। तो उस लेक्चर में मुझे बताया भाई कोई सम्मान प्राप्त करके कुछ इस तरह की व्याख्या लेके आ रहे हैं। तो मैं गया तो मेरे ऑडियंस में रोमिला थापर थी, प्रफुल्ल विधवई थे, इस तरह के लोग बैठे थे, बड़े विद्वान लोग थे। हाँ। तो मैंने इसी बात को कहा, हमने कहा कि दलित और ओबीसी दोनों राइजिंग फोर्सेज हैं, ये सहयोग के जगह संघर्ष करेंगे आपस में, और जो दलित मंचों पर ओबीसी के लीडर इकट्ठा हो जाते हैं, अगर ब्राह्मण लीडर को बुलाए तो ब्राह्मण भी इकट्ठा हो जाएंगे, पर जनता नीचे कौन है? ये जो रावण साहब का रविदास मंदिर में जो आंदोलन हुआ था, हाँ, 200 के 300 लोग जेल में गए थे, मैंने सहारनपुर वालों से कहा कि सेंसस करवाया, तो 200 लोगों में से 180 चमार थे। तो ये तो जो लोग जो तो हमने ये बात कहा और आज भी हम ये कह रहे हैं कि चमार में दलित में ओबीसी में चमार में अहिर में दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि दोनों राइजिंग फोर्स हैं, दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। तो अब इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि बीएसपी की नेता की जान कैसे भी बची, क्या भारत में या दुनिया में इस तरह से हुआ लोकतंत्र में? जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो वो बीजेपी में सटा, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं बसपा की नेत्री मायावती को नेता स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मोदी को नेता स्वीकार कर लिया। तो अब इस बात को समझने के लिए आप इस तरह समझिए ना, आप लोग सब लोग यूट्यूबर्स हैं, हमारे समाज की एक होप हैं। आज भी अगर किसी ओबीसी ने इटावा की एक दलित लड़की कोई किडनैप करके ले जा रहे थे, उसने रेसिस्ट किया तो उसकी आंख फोड़ दिया, और एक भी दलित नेता वहां पर नहीं गया उसको सांत्वना देने के लिए, और लोग लिखते रहे, आप ये देखिए कल से शुरू कर दीजिए देखना, अगर दलितों पर अत्याचार किसी ओबीसी ने किया है तो दलित और ओबीसी दोनों लिखते हैं डोमिनेंट कास्ट, अगर ठाकुर ने किया तो ठाकुरों ने, ब्राह्मण ने किया तो ब्राह्मणों ने, जाट ने किया है तो दबंग जातियों ने। तो दलित समाज जो अक्यूज्ड की पहचान छिपाना चाहता है, क्योंकि उसके मन में ये बीमारी पड़ी हुई है कि ये चमारों को गद्दी पर बिठा देंगे जाट अहिर मिल करके, जो भी संभव नहीं। बताइए बाबूजी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता किसने रोका था? चरण सिंह ने ना जब 77 में जनता 9 राज्यों में जनता पार्टी की सरकार आ गई असेंबली में, केंद्र में शासन में आने के बाद उन्होंने हर जगह असेंबली भंग कर दी, तो हर जगह से चीफ मिनिस्टर भेजा गया दिल्ली से, और हर राज्यों ने स्वीकार कर लिया। जो है यूपी में बाबू रामधन थे, जिनको चार भारत के चार नौजवान नेताओं में गिना जाता था, टर्क बोला जाता था, चंद्रशेखर, बाबूराम, रामधन और दो लोग और थे। तो यहाँ पर पहले बाबूजी को रोका इसने प्राइम मिनिस्टर बनने से, और फिर जो है वोटिंग करवा दी यूपी असेंबली में, सारे जाट अहिर एक तरफ हो गए, बाबूजी रामधन जी हार गए। इसके बाद भी अगर दलित समाज के दिमाग से कचरा नहीं निकला तो चुनाव बढ़ा तो गाली देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, तो फिर हम ये मान लें कि जो सपना
मानव साहब काशी राम ने सजाया था कि 6,743 जातियों को इकट्ठा करके हम बहुजन समाज बनाएंगे, तो बहुजन समाज की जो कल्पना है वो बेईमानी है। अब रिजल्ट क्या है? अभी आप जो हमारा अंत से बातचीत रिजल्ट क्या है तो वही है उसका, ना? उसका तो रिजल्ट यही आ रहा है कि बहुजन समाज बनाने की जो कल्पना है वो बेईमानी है। देखिए कांशीराम जी का एक प्रयोग था, प्रयोग फेल हो गया, मेरा बहुत सारा प्रयोग फेल हो गया, मैं दलित लोग नहीं सर। ये भी कहा जाता है कि जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, जो अति पिछड़ा है, वो बुद्ध के नाम पे जैसे शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, सैनी, ये आ जाता है साथ में। लेकिन बाकी जो अपर बैकवर्ड है, जो जाट है, मराठा जाट है, पटेल है, कुर्मी है, या फिर गुजर है, यादव है, वो नहीं आता क्योंकि वो सवर्णों के साथ जाना पसंद कर लेता, इधर आना पसंद नहीं। अरे सिंपल सी बात है, जो बाबू जो एलान नाइक साहब बोले कि ओबीसी में एक किसान जाति है, वही में एक आर्टिजन है, तो आर्टिजन तो दलित के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किसान है, सो कॉल्ड किसान, ये तो दलित से सलाम चाहता है कि चमार पासी के लोग सलाम हमको करें। तो अगर फिर भी कोई सोचता है कि हमको सत्ता में बिठा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम इस इंटरव्यू को बातचीत को अब बिल्कुल समापन की तरफ कर रहे हैं, तो मैं फिर वही सवाल रहा, चंद्रमान प्रसाद जी 2024 में क्या देखते हैं? दलित जो वोट है, खासतौर से चमार जो वोट है, क्या वो बसपा के साथ या किसी अन्य दूसरी पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? देखिए सही बात बता दूं जी, चमार बस्ती में अब बाकी जातियों के लोग वोट मांगने जाते नहीं। बिल्कुल, तो चमार वो दे भी दे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे अरे नहीं ये नहीं, इनका ना मिला है। तो चमार समाज का पिछले 30-40 साल में जो दलित राजनीति का प्रयोग हुआ नॉर्थ इंडिया में, उसमें चमार समाज इररिलेवेंट हो चुका है। और दूसरी बात, मैं जो मान्यवर कांशीराम जो सोचते हैं वो ज्यादा जानते हैं कांशीराम जी के बारे में, यह समाज कांशीराम को इंडिपेंडेंट फिलॉसफर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए कैसे, मान्यवर कांशीराम एक इंडिपेंडेंट फिलॉसफर है, हो सकता है उनकी बात 100 साल बाद सही हो जाए, एक आर्टिजन ओबीसी दलित मुस्लिम मिल जाए। बाबा साहब ने कहा कि हम जातियों को खत्म करेंगे, एनिलेशन ऑफ कास्ट उनकी मेजर थीसिस है। मान्यवर कांशीराम जी ने क्या कहा, हम दलित जातियों को जमात में बदलेंगे। हाँ, जमात में बदलेंगे, तो ये अलग हो गया ना। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि सत्ता वह चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। बाबा साहब ने कुछ इसी तरह का बोला नेक्स्ट डे 1948 में लखनऊ सम्मेलन में, नहीं नहीं बाबा मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा कि बैलेंस बनाओ आप और इसमें अपना शेयर लो। तो मान्यवर कांशीराम इज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फिलॉसफर, फिलहाल उनकी फिलॉसफी की जीत नहीं हो पाई है, पर फ्यूचर में कभी हो सकती है। पर उनके फॉलोअर तो कम से कम ये माने कि मान्यवर कांशीराम एक फिलॉसफर चिंतक थे। तो ये माना जा सकता है, चलिए एक इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो हम ये कह सकते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम वर्तमान राजनीति में फेल नहीं है, उनका रास्ता ठीक है, उस पर चलने वाले लोग गलत हो सकते हैं। इन फ्यूचर कोई उनके बताए रास्ते पर चलेगा तो शायद वो मंजिल तक भी पहुंचे। तो आज की इस बातचीत से आपको कैसा लगा, और इस बातचीत को करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि बहुजन चिंतक के चंद्रमान प्रसाद जी से बेहतर भला इस मुद्दे पर कौन और बातचीत हमारे साथ कर सकते थे, इसलिए हमने उनको चुना भी, उनका कीमती समय भी लिया। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी तो उसको आगे पहुंचाइए, और तब तक देखते रहिए हमें। मैं फिर किसी अगले मेहमान के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। शुक्रिया।